हेलो एवरीवन, वेलकम इन पंजाबी क्लास। हाँ जी, अज असीं चौथी जमात दे लई पाठ पंज रीड करन जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, पाठ का नाम है एक एक एक। हाँ जी, ये पाठ दे विच आपां नूं की दस्सा गया है, जिस तरह बच्चे वड़े वडेरियां दीआं अपने दादा दादी तो कहानियां सुनते हैं, ठीक है। ਇਹ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭੋਲਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। अज फिर दादी माँ ने बात सुनानी शुरू कर दिती। दादी माँ ने कहा, एक सी चिड़ी अते एक सी कां। हाँ जी, पहले च भी दस्या गया है कि एक कुड़ी सी, कुड़ी का नाम भोला सी। वो रोज़ रात को सौण समय अपनी दादी को जाती है, अपनी दादी को बात सुनाने लई, मतलब कहानी सुनाने लई कहती। अज फिर उहदी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती है, तो उहदी दादी कहती है, एक सी कां ते एक सी चिड़ी। हाँ जी, दूजा पैराग्राफ। दादी माँ ने हले इन्ना ही कहा सी कि भोला ने दादी माँ के मूँह ते हाथ रख दिता, कहा, दादी जी जदों भी तुसी कोई बात सुनाउंदे हो तां तुसी एक तो ही शुरू क्यों करदे हो, ठीक है। एक सी चिड़ी, एक सी राजा, एक सी राणी, तुसी हर बात नूं एक तो ही क्यों शुरू करदे हो, ठीक है। सारियां बातां उसकी दादी ने जदों उन्हें दस्या कि सारिया बातां एक तो ही शुरू हुंदियां हन, भोली की दादी हस पई अते कहण लगी, चल अज मैं तैनूं कोई होर बात सुनाउंदी आं। एक सी चिड़ी वाली बात तो अज रहण दे। तद दादी ने बात शुरू कीती, एक वेरां दी गल है, ठीक है। दादी मां दे मूंह चों फिर एक ही निकल गया, ठीक है। भोला ने कहा, दादी फिर हसन लग गई, तू तो सचमुची ठीक कहनी है भोला, मैं तो इदा सोचा ही नहीं सी। हाँ जी, ये पैरे दे विच की है, जिहड़ी भोला अपनी दादी नूं कहती है कि दादी जदों भी तुसी बात सुनाउणा शुरू करदे हो तो हमेशा एक तो ही शुरू करदे हो, क्यों करदे हो, एक सी राजा, एक सी राणी, एक सी चिड़ी, एक सी लूमड़ी, जदों भी तुसी बात सुनाउणी हो तो एक शब्द नूं जरूर कहने हो। उसकी दादी कहती, चल भोला अज मैं तेनों कोई नवी बात सुनानी है, ठीक है। जो दादी फिर बात शुरू कर लगती है तो वो मूँह के बच्चों एक फेर निकल जाता है, तो फिर भोला अपनी दादी से हसन लग जाती है। हाँ जी, इस तो अगे मम्मी भी जदों बात सुनाते हैं तो बहुत बारी एक शब्द तो ही शुरू करते हैं, पहला मैनू दसो क्यों, उदा ही क्यों वाली गल केड़ी है। पर वैसे जे सोचा जाए तो ठीक है, वह किवें, भोला ने पूछा। वह एवें कि रब भी एक है भावें उसके नाम कई ने, धरती भी एक है भावें देश कई ने, सूरज भी एक है आसमान भी एक है। हाँ, दादी माँ ने भोला ने उछल के कहा, कुकड़ी एक होंगी है पर उसके चूचे काफ़ी होंगे हैं। हाँ मेरी भोलो, एक तो ही तो अनेक होंगे ने, एक तो ही गिनती शुरू होंगी है, इक्कड़ दुक्कड़ पंबा को अस्सी नब्बे पूरा सौ, अते सौ तो वादा करना हो फिर एक लगाई है, एक वादे का निशान होंदा है, इसलिए तो मेरी मम्मी शगन देने वेले तेरी बुगनी विचों एक रुपया मंगती होंगी है ना। दादी ने कहा, बुगनी मतलब गोलक जिहदे छोटे बच्चे सिक्के पाउंदे आ, ठीक है। हाँ जी, उपर पैरे दे विच की कहा गया है कि फिर जदों भोला कहती है कि जब मम्मी भी बात सुनाउण लगती है तो वह भी एक शब्द यूज करती है, तो फिर उहदी दादी ने कहा कि जिस तरह परमात्मा एक है तो परमात्मा के बनाए हुए बंदे अनेक ने, उस तरह धरती एक है तो देश बहुत सारे ने, परमात्मा भी एक है, सूरज भी एक है, आसमान भी एक है, ठीक है। जिस तरह कुकड़ी भी एक होंगी है पर उसके चूचे काफ़ी होंगे ने,
इस तरह भोला की दादी ने उसे समझाया। फिर भोला कहती हाँ हाँ हुण मैनू पता चल गया, जदों मेरी मम्मी किसी के विआह ते शगन दिंदी है तो मेरी बुगनी मतलब गोलक दे विच्चों एक रुपया जरूर कढ़दी है। हाँ जी, ये कह के भोला हस पई ते दादी माँ फिर चलो बात सुनाउणा शुरू करती है। चलो निक्की जिही बात सुना दिओ, भोला ने तरले नाल कहा ते दादी माँ ने गाउणा शुरू कीता। एक दिन चूहा चोरी गया, चूहे लियांदी कणक चुरा। कहिंदा लै नी चूहिए मन पका, मन दा मतलब मोटी रोटी वड्डी रोटी। आटा गुनणा आया ना, चूही ने मन पकाया। कुट कुट के कीती कुट मार, चूहे ने चूही नू कढ़िया बाहर। ठीक है, उत्तों आ गया थानेदार, दित्ती चूहे दी भुख सवार मतलब चंगी तरह कटापा चाड़ देना। ठीक है, चूहे नू लाई हथ कड़ी, चूहे दी चोरी गई फड़ी। हुण भोला नू नींद आ रही सी, दादी मां प्यार दे नाल उसका सिर पलोस रही सी। सिर पलोसना प्यार दे नाल सिर के उपर हाथ फेरना। इन्नी मेरी बात उत्तों पै गई रात, सतना सी कोठा छतली सबात, ते भोला खूब सो गए। हुण दादी मां ने जिहड़ी बात सुनाई सीगी उह चूहे दी बात सुनाई सी कि चूहा चोरी करन गया सी किसी दे घरों आटा लै आया। आटा जदों घरे लै के आया तो चूही नूं कहिंदा आटा गुन ते मन पका, ते चूही नूं कहिड़ा आटा गुनणा आउंदा सी। चूहे ने चूही नूं बड़ा ही कुट्टिया ते उधरों थानेदार आ गया। थानेदार ने चूही नूं हथ कड़ी ला ली ते चूहे दी जिहड़ी चोरी सी उह फड़ी गई। दादी मां बात सुनाउंदी है, भोला नूं नींद आउंदी जांदी है ते दादी मां जिहड़ी बात दा अंत करदी है, इन्नी मेरी बात उत्तों पै गई रात, सतना सी कोठा छतली सवार। ते सुनदे सुनदे भोला भूख सौ गई, मतलब गहरी नींद सौ गई। हाँ जी, हुणे पाठ दे विच की दस्या गया है कि बच्चे जदों अपने वड्डे वडेरे दादे दादियां कोलों बातां सुनदे है, कईआं नूं बातां सुनन दा शौक हुंदा है ते बातां सुनन उह किन्नी आनंद दे नाल बातां नूं सुनदे है, इह उहदे विच वर्णन कीता गया है। हुण असीं औखे शब्दां दे अर्थ पढ़दे हाँ। पहला है बात, बात दा मतलब कोई कहानी स्टोरी। ठीक है, चूचे चूचे की होंगे जेडे कुकड़ी के बच्चे होंगे उसको असं चूचे कहते हैं। वादा, वादा का मतलब वधाउणा, किसी चीज़ को जिवें इनक्रीज कह दें आप किसी चीज़ को वधा देना। बुगनी किसू कहते हैं, बुगनी गोलक को कहते हैं जिस विच असीं सिक्के पाउंदे हाँ। भुगत सवार देनी मतलब किसी को मार मार के उसकी हालत ठीक कर देनी। सिर पलोसना मतलब सिर ते प्यार दे नाल हाथ फेरना। कोठा किसनूं कहिंदे आ, रहण दी जगह जिस तरह एक कमरा हुंदा। सवाद किहनूं कहिंदे आ, बड़ा वड्डा ते खुल्ला कमरा हुंदा जिहड़ा उसनूं असीं सवाद कहिंदे हां। घूक सौणा, घूक सौणा दा की मतलब